ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वो हम लोग स्कैनएफ में भी यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम लोग कोई भी इनपुट लेते थे अपने स्क्रीन से और वो उस वेरिएबल के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाता था। तो सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी इस एम परसेंट को किसी भी वेरिएबल के साथ में यूज़ करेंगे। द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, क्या रिटर्न करता है? किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। हम लोग को यहाँ पे एड्रेस को सपोर्ट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज करना होता है %u, %u का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जो कि डिस्प्ले करेगा किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, इससे हम लोग समझते हैं इस एड्रेस ऑपरेटर को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया है नंबर, और हमने उसको 50 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ लगाया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर की वैल्यू प्रिंट करेंगे और नंबर का एड्रेस हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर जो है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है और उसका वैल्यू जो है 50 से हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाए और यहाँ पे हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है वैल्यू ऑफ नंबर इज %d कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर इज %u। तो अगर हम लोग को एड्रेस प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ %u का यूज करते हैं, अगर हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज किया है तब। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा देके लिखेंगे नंबर, और कॉमा देके मैंने लिखा M% नंबर। तो इसका आउटपुट हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, वैल्यू ऑफ नंबर इज 50, जो नंबर की एक्चुअल वैल्यू है 50 है और वो यहाँ %d की जगह पे प्रिंट करेगा क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट हो गया। फिर कॉमा देखे एड्रेस ऑफ नंबर इज FFF4। अब यहाँ पे हमने लिखा है M% नंबर, तो इससे वो क्या प्रिंट करेगा, इस नंबर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेगा। और जब भी हम लोग M% के साथ में यहाँ पे प्रिंट करते हैं, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ में अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेंगे, उस केस पे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %u, %u का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करके मिल जाएगा। तो ये था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको हम लोग M% से रिप्रेजेंट करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में। ए पॉइंटर दैट इज नॉट असाइंड टू एनी वैल्यू बट नल इज ओनली एज द नल पॉइंटर। अब देखिए, हमने अगर कोई भी एक पॉइंटर बनाया है, कोई भी एक पॉइंटर मान के चलो इंटीजर का, हमने यहाँ पे एक पी पॉइंटर हमने यहाँ बना लिया। तो पी पॉइंटर जब हमने बनाया तो इसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर हो सकता है। ठीक है, एड्रेस मतलब रेफरेंस, किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस। ठीक है, एड्रेस को हम लोग रेफरेंस वर्ड से भी जानते हैं। तो अगर हम लोग उस रेफरेंस की अगर बात करते हैं, तो जो पॉइंटर है वो रेफरेंस टाइप का वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेफरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो उस रेफरेंस में हम लोग या तो कोई वैल्यू डाल सकते हैं, मीन्स एड्रेस टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं, या दूसरी वैल्यू हो सकती है नल। ठीक है, नल एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक एम्प्टी वैल्यू, मतलब एक खाली वैल्यू को डिफाइन करती है। यहाँ पे देखते हैं, इफ यू डोंट हैव एनी एड्रेस टू बी स्पेसिफाइड इन द पॉइंटर, अगर हमारे पास कोई भी एड्रेस नहीं है उस पॉइंटर में सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग उसमें नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अवेलेबल नहीं है उस पॉइंटर में स्टोर करने के लिए, तो हम लोग वहां पे क्या असाइन कर सकते हैं, हम लोग वहां पे नल असाइन कर सकते हैं। नल एक वैल्यू होती है। ठीक है, नल क्या होती है, एक वैल्यू होती है जो मतलब एक ब्लैंक या फिर एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू है लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग नल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर कुछ सामान डालना था लेकिन सामान अवेलेबल नहीं है, तो उस समय वो बॉक्स के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, खाली है वो। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो तो बॉक्स है, उसके पास जगह है,
लेकिन उसके अंदर फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, तो वहां पे हम लोग उस समय नल से उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी पॉइंटर बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी एड्रेस डालने मतलब कोई भी एड्रेस स्टोर करने का अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम लोग नल से इनिशियलाइज करते हैं, और नल भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ए नल। ठीक है, नल क्या है, तो नल हमेशा एक वैल्यू होगी, और हम लोग नल को एम्प्टी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नल इज ए वैल्यू बट एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर में इसका क्या काम है, तो पॉइंटर में काम यही है कि एड्रेस अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में हम लोग उसको नल से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कुछ लाइब्रेरीज यूज करते हैं, लाइब्रेरीज मीन्स हम लोग जो हेडर फाइल्स यूज करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे आप लोग बुक्स में भी देखोगे या फिर कुछ हम लोग ट्यूटोरियल्स वगैरह पढ़ेंगे वहां पे देखोगे, तो बहुत सारे जगह इस नल की वैल्यू को जीरो कहा गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जीरो से रिप्रेजेंट हम लोग नल को नहीं कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, क्योंकि हर सिस्टम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग यूज होती है, तो सभी जगह वहाँ जीरो को अप्लाई नहीं किया जा सकता। जीरो क्योंकि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, और अगर हम लोग उस पॉइंटर को इंटीजर वैल्यू से इनिशलाइज कर देंगे, तो वो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा उसको वो इंटीजर वैल्यू ही समझेगा। मीन्स एड्रेस उसके अंदर स्टोर होना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, वहां पे जीरो से इनिशलाइज कर दिया। लेकिन जीरो तो एक्चुअल में नल नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक रेफरेंस टाइप का ही डेटा स्टोर हो सकता है, कोई दूसरे डेटा टाइप का डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे किसी को बोलते हैं हम लोग नल पॉइंटर। अगर हम लोग किसी भी पॉइंटर को नल से इनिशलाइज कर देते हैं, मतलब उसके अंदर कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग उसको नल से इनिशलाइज किए, NULL नल। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नल पॉइंटर। ठीक है, नल पॉइंटर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको। वॉइड पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। तो देखिए, अगर हमने कोई भी अगर पॉइंटर बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंटर बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंटीजर को पॉइंटर बनाता हूँ, इंट एस्ट्रिक पी। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर का एक पॉइंटर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता हूँ। मीन्स इंटीजर वैल्यू का एड्रेस ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टोर मैं कर सकता हूँ, और भी कोई दूसरे डेटा टाइप का मैं एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं इंटीजर का पॉइंटर बना रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कैरेक्टर का बना रहा हूँ, तो कैरेक्टर का ही एड्रेस मैं स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं फ्लोट का कोई भी एक पॉइंटर बनाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोट वेरिएबल का ही एड्रेस को स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा पॉइंटर बनाना चाहूँ जिसमें मैं कोई भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर पाऊँ, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं कोई कैसा पॉइंटर बनाऊं जिसमें मैं कोई भी दूसरे भी डेटा टाइप का, कभी मैं इंट का स्टोर कर लूं, कभी मैं फ्लोट का एड्रेस स्टोर कर लूं, कभी मैं डबल डेटा का स्टोर कर लूं, कभी कैरेक्टर का स्टोर कर लूं, मैं कोई भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस मैं स्टोर करना चाहता हूँ उस सिंगल पॉइंटर पे। ठीक है, तो ये पॉसिबल अगर हम लोग इंटीजर का बनाते हैं, फ्लोट का बनाते हैं, कैरेक्टर का बनाते हैं, या फिर हम लोग डबल का बनाते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो उस केस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वॉइड पॉइंटर हम लोग बना लेंगे। तो वॉइड पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग इसका डेटा टाइप जो होता है वो लिखते हैं वॉइड, और यहाँ पे लगाते हैं एस्ट्रिक, और यहाँ पे लगाएंगे पी। तो इस प्रकार से एक वॉइड पॉइंटर हमने बना लिया जिसका डेटा टाइप वॉइड है। ठीक है, तो वॉइड जनरली एक जनरल डेटा टाइप होता है जो हर एक डेटा टाइप को सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, एक जनरल डेटा टाइप होता है जो हर एक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। मीन्स अगर मैं इसमें इंटीजर, जैसे मैंने कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, मैंने इंट एक्स बना लिया, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंटर पी में
मैं एक्स का एड्रेस स्टोर करता हूँ, एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंटर पी है वो इंटीजर टाइप का बन जाएगा, मतलब वो एक्चुअल में वॉइड टाइप का है, लेकिन जब मैंने इस एक्स का एड्रेस इसके अंदर स्टोर किया तो एक्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, मीन्स एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो अब ये पॉइंटर जो है वो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, और ये जो वॉइड यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है, अब वो इंटीजर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, वो इंटीजर बन जाएगा। अगर मान के चलो मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, फ्लोट एफ, ठीक है, मैंने एक फ्लोट का एक वेरिएबल बना लिया। अब इसी सेम पॉइंटर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंटर पी इक्वल टू एम परसेंट ऑफ एक्स एफ, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, पहले हमने यहाँ पे इंटीजर एक्स का मैंने यहाँ पे एड्रेस स्टोर किया था पॉइंटर पी में। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्लोट एफ का मीन्स एफ नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ इस पॉइंटर पी में। तो इस पॉइंट पे वो क्या करेगा, किसको पॉइंट करेगा, इस फ्लोट एफ को पॉइंट करेगा। अब उसका डेटा टाइप रहेगा फ्लोट। अब वो कौन सा टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो वॉइड पॉइंटर जो होता है वो एक जनरलाइज पॉइंटर होता है जो एक जनरल डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, मीन्स उसके अंदर हम लोग इंटीजर वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम लोग फ्लोट टाइप का भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम लोग कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल के एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब कोई भी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वॉइड पॉइंटर, ठीक है। वॉइड भी एक डेटा टाइप होता है जो एक जनरल डेटा टाइप होता है जो सभी दूसरे डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, जो सभी दूसरे डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, मीन्स अगर हम उसमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे तो इंटीजर टाइप का स्टोर कर लेगा, फ्लोट का अगर स्टोर करेंगे तो फ्लोट का स्टोर कर लेगा, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप का एड्रेस वो स्टोर कर सकता है, ओके okay? तो यहाँ पे जो हम लोग अगर कभी कभी इस टाइप का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग को ऐसे पॉइंटर की जरूरत पड़ती है कि हम लोग सिंगल पॉइंटर यूज कर रहे हैं और मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज को हम लोग वहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में हमने लिखा है यहाँ पे void और यहाँ पे पॉइंटर नेम, और यहाँ पे लगाया है उसमें एस्टिक। तो इस प्रकार से हम लोग एक पॉइंटर बना सकते हैं void टाइप का। और यहाँ पे हम लोग अगर उसकी डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं void एस्टिक ptr, ठीक है। ये ptr जो है पॉइंटर का नेम है। तो इस प्रकार से हम लोग एक void पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक इंटीजर आई बनाया और उसको 9 से इनिशलाइज कर दिया। इंटीजर आई बनाया और उसको मैंने 9 से इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया पी, मैंने एक पॉइंटर पी बनाया, ठीक है, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर बनाया एफ पी, फ्लोट पॉइंटर, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है। थर्ड पॉइंटर मैंने यहाँ पे बनाया है वॉइड टाइप का, थर्ड टाइप का मैंने बनाया है वॉइड टाइप का, ठीक है, पी टी आर, ठीक है। ये हमारा वॉइड पॉइंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम लोग देखते हैं, मैंने इस पी को इनिशलाइज किया, जो पी हमारा था इंटीजर टाइप का, पी को मैंने इनिशलाइज किया एफ पी से। एफ पी क्या है, एफ पी है फ्लोट पॉइंटर, और पी क्या है, इंटीजर, ठीक है। मतलब पी जो है वो इंटीजर है, एफ पी जो है वो फ्लोट है। तो कभी भी फ्लोट टाइप का एड्रेस वो कभी भी इंटीजर में स्टोर नहीं हो पाएगा, इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर पाएगा, वो फ्लोट टाइप के डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है, ये सही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे एफ पी को हम लोग इनिशलाइज किए एम परसेंट आई से। आई क्या है, एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 9, ठीक है। एड्रेस ऑफ आई हमने यहाँ पे दिया, एड्रेस ऑफ आई मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप का है,
और एफ पी जो हमने बनाया है फ्लोट डेटा टाइप का है। यहाँ पे जो हमने एफ पी नाम का एक पॉइंटर बनाया है वो फ्लोट डेटा टाइप का पॉइंटर है, तो कभी भी वो इंटीजियर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन में दिया है पीटीआर इक्वल टू पी। ठीक है, अब पीटीआर जो है हमारा एक वॉइड पॉइंटर है, ठीक है, उसको हमने एफ पी से इनिशलाइज किया, ठीक है, जो कि एक फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पे पीटीआर जो है एक वॉइड टाइप का पॉइंटर है, वो कोई भी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने उसको एफ पी से, सॉरी, पी से इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, तो पी किस टाइप का, यहाँ पे इंटीजर टाइप का, तो पी जो था वो इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है, उसका वो एड्रेस स्टोर कर पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक और लिया, पी टी आर को मैंने एफ पी से इनिशलाइज किया, मैंने यहाँ पे इंटीजर से इनिशलाइज किया था, अब हम लोग उसको फ्लोट पॉइंटर से इनिशलाइज कर रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप है फ्लोट, तो वो फ्लोट पॉइंटर का भी एड्रेस वहां पे स्टोर कर पाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पी टी आर एम परसेंट ऑफ आई। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, पी टी आर में, पॉइंटर पी टी आर में हमने क्या स्टोर कर दिया, एड्रेस ऑफ आई स्टोर किया। आई जो था हमारा हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल था जिसमें वैल्यू है 9, हम लोग ने इस आई का एड्रेस स्टोर किया इस पी टी आर में। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जब हम लोग एक वॉइड पॉइंटर बनाते हैं तो उसमें हम लोग किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को या फिर किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को हम लोग वहां पे स्टोर कर पाते हैं। तो यही एक एडवांटेज होता है वॉइड पॉइंटर का कि हम लोग किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसका हम लोग एडवांटेजेस यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, द मैलोक एंड कैलॉक फंक्शन रिटर्न द वॉइड पॉइंटर, सो दीज फंक्शन कैन बी यूज टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है, अब देखिए वॉइड पॉइंटर सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब जब हम लोग किसी भी वेरिएबल के लिए, किसी भी पॉइंटर के लिए हम लोग रन टाइम पे, प्रोग्राम रन होने के बाद में हम लोग प्रोग्राम रन होने के बाद में हम लोग वहां पे किसी भी वेरिएबल पे हम लोग मेमोरी असाइन करते हैं, मतलब उसको और ज्यादा मेमोरी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैलॉक और कैलॉक फंक्शन जो होते हैं, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये था वॉइड पॉइंटर। ओके, इस एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ए मैंने बना लिया है, ठीक है, जो कि एक इंटीजर टाइप का है, और उसको मैंने 56 से इनिशलाइज कर दिया, 56 से मैंने इनिशलाइज कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल है, मैंने उसको 4.5 से उसको इनिशलाइज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया कैर सी, और उसको मैंने के से इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो नॉर्मल वेरिएबल। अब मैंने यहाँ पे एक वॉइड पॉइंटर बनाया, मैंने क्या बनाया, एक वॉइड पॉइंटर यहाँ पे मैंने बनाया एस्ट्रिक पीटीआर। ठीक है, पीटीआर नाम का मैंने एक वॉइड पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पीटीआर को मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ एम परसेंट ए से। ए जो है हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इसका मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ इस पी टी आर में, जो कि हमारा एक वॉइड पॉइंटर है, तो ये इजीली उसको स्टोर कर पाएगा, मतलब कोई कोई भी डेटा टाइप को स्टोर कर पाएगा। तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है इस पॉइंटर पी टी आर में, जो कि एक वॉइड पॉइंटर है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। अब जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंटर पी टी आर है वो वॉइड टाइप का है। ठीक है, हम लोग को इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, हम लोग इसको टाइप कास्ट करेंगे, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंटफ में हमने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी, और हमने यहाँ पे लिखा
पॉइंटर पी टी आर, और इसको हमने यहाँ पे टाइप कास्ट किया है। टाइप कास्ट करना मतलब हम लोग ने यहाँ पे उसको इंटीजर में चेंज किया है। ये था वॉइड टाइप का, अब हम लोग क्या किस में चेंज कर दिए उसको, इंटीजर टाइप में उसको चेंज करेंगे, तभी वो यहाँ पे अपनी वैल्यू को प्रिंट कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ये पॉइंटर पी टी आर जो है ये, ठीक है, इस पॉइंट मतलब जो हमने यहाँ इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया है उसके बीच में हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इंट। ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया है, इंट पॉइंटर लिख दिया है। मतलब वो वॉइड पॉइंटर से अब किस में चेंज कर देगा, इंटीजर के पॉइंटर में वो चेंज करेगा, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिया है, पीटीआर को हमने इनिशियलाइज किया है एम परसेंट बी से। बी जो है वो फ्लोट टाइप का है, बी जो है फ्लोट टाइप का, उसका वैल्यू है 4.5, ठीक है। हमने अब बी का एड्रेस इस पीटीआर में स्टोर किया, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ बी इज परसेंट एफ, ठीक है। परसेंट एफ जो है फ्लोट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही हमने इसको फ्लोट पॉइंटर में चेंज किया है। वॉइड पॉइंटर टाइप का था, अब हमने किस में चेंज कर दिया इसको, फ्लोट पॉइंटर में इसको हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंटर में सी का एड्रेस हमने यहाँ पे स्टोर किया, वैल्यू ऑफ सी इज परसेंट सी, और हमने अब इसको किस में चेंज किया, कैरेक्टर पॉइंटर में हमने इसको चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉइड पॉइंटर को हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। अलग अलग डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे तीन अलग अलग इंटीजर, फ्लोट और कैरे टाइप के वेरिएबल्स लिए, और पॉइंटर पीटीआर में जो कि एक वॉइड पॉइंटर था, हम लोग अलग अलग डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर किए और कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग को टाइप कास्ट करना कंपलसरी होता है ताकि हम लोग उस वैल्यू को प्रिंट कर सकें।